डेर स्टूडेंट्स असल वेलकम टू जी एस अकेडमी यूट्यूब चैनल आज हम क्लास सिक्स के लेसन नंबर फोर और उसकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने लगे हैं सबसे फर्स्ट है हमारे पास वो कैबलरी लुक अप द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द डेंसेज ऑफ योर ऑन द फर्स्ट वन इज डिस बॉर्ड डिलइट ने हमने इन ये जो हमें ये मीनिंग्स दिए गए हुए हैं हमने सबसे पहले तो इनके इनके र, इन इससे जो रेलिवेंट जो मीनिंग है वो हमने लिखना है और उसके बाद हम इसको इसके हम सेंटेंसेस लिखेंगे फर्स्ट -E -E uh, है हमारे पास डिसेंडिंग डी ई एस सी ई एन डी आई एन डी डिसेंडिंग इसका मीनिंग है डाउनवर्ड्स ही इज़ डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डिसेंडिंग मतलब डिसेंडिंग का मतलब uh, जो है वो ये होता है कि डिसेंडिंग uh, में आ जाता है मूविंग और कमिंग डाउन और डाउनवर्ड्स नेक्स्ट हमारे पास सीक लुक फॉर आई एम सीकिंग माई बैग बॉर प्राइवेट रूम एक मखसूस कमरा ही वॉज सिटिंग अंडर आ बॉर डिलइट ग्रेट प्लेयर ग्रेट प्लेयर आई फील डिलइट इन प्रेयर्स नेक्स्ट आ स्ट्रक्चर बिल्ड बाई बर्ड्स ऐसा स्ट्रक्चर जो कि परिंदों ने बनाया हो उसको नेस्ट कहते हैं द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट नेक्स्ट है हमारे पास ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वट इज दिस पॉइम अबाउट वेन डू द स्टार्स शाइन वट डज द नाइट ब्रिंग फॉर अस वट मेक्स द मून हैप्पी वाई आर द बर्ड साइलेंट इन देअर नेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वट इज दिस पॉइंट अबाउट दिस पॉइंट इज अबाउट नाइट ये पॉइंट जो है वो किसके के मुतलिक है दिस पॉइंट इज अबाउट नाइट नाइट के uh, से जो है वो रिलेटेड है नेक्स्ट है वट डू दाइन स्टार जो है वो शाइन कब करते हैं द स्टार शाइन एट नाइट रात के वक्त जो है वो स्टार्स चमकते हैं सितारे नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू द नाइट ब्रिंग फॉर अस रात का जो वक्त है वो हमें क्या देता है इसका आंसर है द नाइट ब्रिंग्स पीस एंड डिलाइट्स फ़ॉर अस क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट मेक्स द मून हैप्पी मून जो है वो हमें हैप्पी कब लगता है नाइट मेक्स अ मून हैप्पी रात को जो है वो खूबसूरत कौन बना मून को जो खूबसूरत है वो कौन बनाता है नाइट रात जो है वो चांद को खूबसूरत बनाती है आगे है वाई डिड द बर्ड्स साइलेंट इन देयर नेस्ट बर्ड्स जो हैं वो परिंदे जो हैं वो अपने घोंसलों में जो है वो खामोश क्यों है द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट बिकॉज इट इज़ नाइट एंड टाइम टू स्लीप परिंदे जो हैं वो अपने घोंसलों में इस वजह से खामोश है क्योंकि रात का वक्त है और रात के वक्त जो है वो सोने का टाइम होता है इस वजह से वो खामोश बी पार्ट है हमारे पास फिग्यटिव लैंग्वेज रीड द पॉइम एंड पिक आउट द यूज़ ऑफ सिमिली हमने क्या करना है कि हमने पॉइम को रीड करना है और उसमें यूज असिम्बलीस को जो है वो सिमिली कहते हैं एक दो दो चीज़ों का आपस में मुवजना करना जैसे एक चीज़ है हम उसको देख के कहते हैं ये भी सेम उसकी तरह दिख रही है लाइक सिमिली असिम्बली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एस हम कंपेयर करने के लिए लाइक like और एज यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू से डैट समबडी स्विम्स वेल आई कैन से ही शी स्विम्स लाइक अ फिश बिकॉज अ फिश स्विम्स वेल देर आर टू बेसिक्स पैटर्न दैट यू कैन यूज फॉर कंपेरिजन हमारे पास दो पैटर्न हैं जिनको फॉलो करके जो है हम आ, सिमिली जो है वो आ, कर सकते हैं इसको पैटर्न नंबर वन है लाइक like. लाइक like जो है वो हम यूज़ करते हैं ऐसा सिमिली एक दूसरे को दूसरी चीज़ों से कंपेयर करने के लिए एग्जाम्पल वर्ड प्लस लाइक प्लस नाउन शी स्विम्स लाइक अ फिश वो इस तरह से तैर रही है जैसे एक मछली ही वॉक्स लाइक अ डक वो ऐसे वॉक कर रहा है जैसे कोई बतख हो शी एक्ट्स लाइक अ फूल ये तो ऐसे जो है वो एक्ट्स कर रही है को, जैसे कोई बेवकूफ़ हो नेक्स्ट पैटर्न टू है एज हम एज को यूज़ करके भी सिमिली बना जो है वो उसको बना सकते हैं एग्जाम्पल है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन ही इज एज टॉल एज अ गट शी इज एज फास्ट एज आ रॉकेट कि उतना फास्ट है इतना तेज है जैसा कि एक रॉकेट ही इज एंड ग्रेसफुल एज आ स्वान सी पार्ट है हमारे पास मेक योर ऑन सिमिली हाउ कुड आई से डैट समबडी रन फास्ट ही रन फास्ट लाइक अ डियर इज़ प्रिटी शी इज़ प्रिटी लाइक अ डॉल जम्पेल ही जम्प्स वेल लाइक अ टाइगर इज़ स्ट्रॉन्ग ही इज स्ट्रॉन्ग लाइक अ ट्री ही रन फास्ट लाइक अ डियर उस वो इतना तेज़ भागा जैसा कि एक डियर भागता है शी इज़ प्रिटी लाइक अ डॉल वो इतनी खूबसूरत है जितना कि एक गुड़िया ही जम्प्स वेल लाइक अ टाइगर इसने बहुत अच्छी जो है वो जम्प लगाई लाइक अ टाइगर शेर की तरह चीते की तरह ही इज स्ट्रॉन्ग लाइक अ ट्री वो एक मज़। वो बहुत मज़बूत है एक दरख्त की तरह नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कुड आई से डैट समथिंग जब हमको चीज़ कहने कहने लगते हैं तो हम क्या फील सॉफ्ट ही फील्स एज सॉफ्ट एज कॉटन ये इतना सॉफ्ट नाजुक है जिस तरह के एक कॉटन रुई इज़ स्वीट दिस मैंगो इज़ एज़ स्वीट एज हनी ये आम इतने मीठे हैं जैसा कि हनी इज़ हैवी ही इज़ एज़ हैवी एज एन एलिफेंट कि इतना भारी है जैसा कि एक एलिफेंट हाथी साउंड नॉइसी डिस्ट्रैक्ट साउंड एज एन एज रेलवे इंजन जैसे रेलवे इंजन की आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा इसी तरह से डिस्ट्रैक्ट साउंड को इसके साथ कंपेयर किया गया है डी पार्ट है कंप्लीट द समरी ऑफ द पॉइंट यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स ये हमें समरी दी गई है और हमें ये यहाँ पे जो है इन्होंने ऑप्शन दे दी हैं गो शाइन इंजॉय रेस्ट सेट लाइक हमने इस समरी को फिल करना है द सन हैज डैश द सन हैज सेट एंड द इवनिंग स्टार डैश द इवनिंग स्टार्स शाइन एस एच आई नी एस शाइन्स इन द स्काई बर्ड्स टेक डैश इन देयर नेस्ट एंड पीपल ऑल्सो

जो कि मलकियत को जाहिर करते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं हेयर ए पार्ट है हेयर इज़ द लाइन फोर ऑफ़ द पॉइंट एंड सर्कल द प्रोनाउन एंड अंडर लाइन द पोजेसिव प्रोनाउन ये हमारी पॉइंट के जो फोर्थ लाइन है एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन तो आई जो है हमने पढ़ा कि प्रोनाउन है नाउन की जगह जो, जो यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन है हमने इसको सर्कल कर दिया एंड सर्कल द प्रोनाउन एंड अंडरलाइन द पोजेसिव प्रोनाउन फॉर माइंड यहाँ पे माइंड जो है वो मलकियत को जाहिर करें तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा बी पार्ट है हमारे पास कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग अ सूटेबल पोजेसिव प्रोनाउन अब ये हमारे पास हिज देअर्स योर्स हर्स माइन ये पोजेसिव प्रोनाउंस है जो कि मलकियत को ज़ाहिर करते हैं हमने ये फ़िलिंग दी ब्लैंक्स दी हुई हैं इनमें हमने फ़िल करने हैं द फर्स्ट वन इज ही इज़ केयरिंग इज़ न्यू बैग इट इज़ हिज शी इज़ वेयरिंग हर ब्यूटिफुल ड्रेस इट इज़ हर्स आई एम बाइंग एन एक्सपेंसिव वॉच इट इज़ डैश माइन ये मेरी है दे आर आयरनिंग देयर शर्ट दीज आर Dash theirs. T H E I R S theirs. Fifth one hai. You are holding a story book It is dash yours. See pad preposition of time in the morning on Saturday at 5 am. In the afternoon, on Sunday morning at 2 o'clock. In the evening, on Monday at night. अब इसमें से आप देखें मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग के साथ संडे मॉर्निंग के साथ इन या ऑन लग रहा है और जब हम सैटरडे मंडे या संडे ये देखें यहाँ पे संडे आ गया सैटरडेज और वीक्स आ रहे हैं तो उनके साथ ऑन उन लग रहा है जब डे उनकी बारी आ रही है मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग की तो ड्यूरेशन की तो उसमें इन लग रहा है और जो जिसमें हमें टाइम शो हो, हो रहा है उसके साथ एट लग रहा है स्टूडेंट्स डी पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ सूटेबल प्रापोजिशन प्रपोजिशन हमने लगानी माजे द इज कमिंग बैक डैश मंडे अब हमने जो डेज ऑफ वीक्स हैं उनके साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन लग रही है तो यहाँ पर ऑन आएगा नेक्स्ट है शी प्लेस डैश द आफ्टरनून यहाँ पे हमने पढ़ा मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तो उसके साथ इन द लगेगा यहाँ पर आएगा शी प्लेस इन द आफ्टरनून थ्री ऑप्शन है देयर प्लेन विल अराइव डैश थ्री ओ क्लॉक अब यहाँ पर टाइम आ गया तो हम ऐड लगाएंगे ए टी एड he takes lessons dash Sunday on Sunday you can see me dash half past seven at half past seven give it time half past seven dash the evening in the evening next time I pass present continuous tense if something is happening now we use present continuous tense this tense is formed by using two components the verb be in the present tense and the ing form of verb I am reading a book

सेकेंड play है वट यू डू मॉम इज़ वेटिंग फॉर यू वट आर यू वट आर यू डूइंग डी ओ आई एन जी डूइंग मॉम इज़ वेटिंग फॉर यू थर्ड वन लुक माई कैट प्ले लुक माई कैट इज प्लेइंग प्ले फर्स्ट फॉर्म है प्लेइंग सेकेंड फॉर्म होगी पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग ही डू हिज होमवर्क ही इज डूइंग हिज होमवर्क डी ओ जो है वो डू फर्स्ट फॉर्म है डूइंग जब हम लगाएंगे तो ये सेकेंड फॉर्म है फर्स्ट वन फिफ्थ वन है लिसन दैट गर्ल क्राई लिसन दैट गर्ल इज क्राइंग क्राई जो है वो फर्स्ट है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और क्राइंग uh, जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है एफ पार्ट ए मेक क्वेश्चन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शी इज हैविंग अ पार्टी अब हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है इज पहले आ जाएगा शी बाद में आएगा इज शी हैविंग अ पार्टी और नेक्स्ट पे लास्ट पे क्वेश्चन मार्क वी आर वेटिंग फॉर द बस आर वी वेटिंग फॉर द बस

हमें सिंपल टेंस दिए गए थे और हमने इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना था तो उसमें जो है वो क्वेश्चन uh, मार्क जो है वो एंड पर आएगा और जो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब होगी सब्जेक्टिव होगा वो पहले आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउंसिएशन रीड दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स अलाउड हेल हेल लेट लेट लेटर लेटर सेल सेल टेस्ट टेस्ट एच पार्ट है चूज द करेक्ट वर्ड हमने करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है फर्स्ट है आई कुड नॉट गेट अ डैश इन द बस मेरे पास बैठ बस में बैठने के लिए क्या नहीं है सीट 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 एस सी ए टी सीट यहाँ पर आएगा सीट अ मॉस्किटो डैश मी लास्ट नाइट मच्छर ने मुझे आ, जो है वो लास्ट नाइट को बीट मारना बीट काटा बाइट काटा बी आई टी बाइट मी लास्ट नाइट थर्ड है माई मदर इज़ कुकिंग राइस फॉर डैश सुपर 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 एस यू डबल पी आर सुपर फोर्थ माई ग्रैंड मदर डैश स्टोरी हमारी जो दादी माँ हैं उन्हें उन्होंने हमें स्टोरीज टेल टेल्स होता है बताना और ये दूसरा वाला टेल्स है तो हम यहाँ पर टेल्स का मतलब होता है बताना टी ई डबल एल एस टेल्स आएगा फिफ्थ सात डैश द बॉल एंड स्कोर द गोल हिट 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 आएगा एच आई टी हिट डैश सेल्स ओवर वाटर शीप शिप एस एच आई पी शिप नेक्स्ट हमारे पास औरल कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन बात कर चीत करने का जो है हमें तरीका कैसे आना चाहिए फॉर टीचर्स टीचर्स के लिए सिचुएशन टू स्टूडेंट्स आर मेकिंग प्रोग्राम टू गो टू द टॉक शो डिवाइड द क्लास इनटू टू पेयर्स एंड हेल्प देम टू प्रैक्टिस दिस डायलॉग डायलॉग कहते हैं दो बंदों का या दो गर्ल्स या दो बॉयज़ का आपस में जो कम्युनिकेशन है उनकी बातचीत का तरीका है वो हमने इसमें सीखना है जी स्ट्रेंड्स और तो डायलॉग स्टार्ट करते हैं बुशरा एंड फाइजा बुशरा और फाइजा के जो है वो दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है बश्रा आर यू बिज़ी ऑन सैटरडे इवनिंग बुशरा क्या आप बुशरा कह रही है फाइजा को कि क्या आप हफ्ते की शाम को बिज़ी हैं फ़ाइजा कह रही है यस yes, वाई जी हाँ मगर क्यों बुशरा देयर इज़ अ टॉक शो अबाउट कायद एंड ओवर पाकिस्तान एक टॉक शो है किस बारे में है कायद एंड ओवर पाकिस्तान एट द अलहमरा आर्ट सेंटर कहाँ पर है अलहमरा आर्ट सेंटर ए सी अलहमरा आर्ट सेंटर में फ़ायज़ा कह रही है इट इज़ एट सेवन ओ क्लॉक इन दवनिंग और ये प्रोग्राम जो है वो शाम के टाइम सात बजे है बश्रा नो इट विल स्टार्ट एट एट पी एम मगर बुशरा कह रही है नो no, वो जो है स्टार्ट जो होगा वो एट पी एम पर होगा फ़ायज़ा दैट्स गुड ये अच्छी बात है सी यू ऑन सैटरडे इवनिंग हम सैटरडे uh, की शाम को हफ्ते की शाम को हम मिलेंगे दैन फिर नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोसरी है हमने ग्लोसरी को रीड करना है बॉवर प्राइवेट रूम मखसूस कमरा डिलाइट समथिंग और समवन वन डैड गिव्स ग्रेट प्लेयर जो कि हमें डिलाइट अच्छा लगे डिसेंडिंग मूविंग और कमिंग डाउन और डाउनवर्ड्स डाउन और डाउनवर्ड्स की तरफ जाना मूविंग आना और कमिंग डिसेंडिंग है हेवन कहते है, जन्नत को पैराडाइज नेस्ट घोंसला स्ट्रक्चर बिल्ड बाई बर्ड्स सी तलाश करना लुक फॉर समवन और समथिंग शाइन चमकदार बी ब्राइट गिव आउट लाइट साइलेंट फ्री फ्राम नॉइस साइलेंट फ्री फ्राम नॉइस बिल्कुल खामोशी जो कि शोर से बिल्कुल फ्री हो जी स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो हमारा लेसन नंबर फोर का जो है इसकी जो सल्व एक्सरसाइज़ है वो कंप्लीट होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह अल्लाफ़